बहुत बहुत स्वागत है अनुराग भाई आपका कैंडिडेट विद शालीन में। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में हम आपकी राजनीति को फॉलो करते रहे हैं, आपने पत्रकारिता चुनी, उस समय मन होता है कि मुझे भागना है, दौड़ना है, लोगों से बात करनी है, तो आपको ऐसा भी रियलाइज होता है यार कि बहुत हेक्टिक है। मैं एक बार जो मैंने लाइफ में डिसीजन लिया, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। लेकिन सब एक आम व्यूअर है ना, जब वो टीवी देखता है, उसको ये क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि इनको क्या स्क्रिप्ट लिख के भेजी जाती है, या सिर्फ इसलिए कि कुछ जर्नलिस्ट या कुछ चैनलों के मालिक ललायत रहते हैं ऊपर तक के एक्सेस के लिए। आज के दिन में फील्ड रिपोर्टिंग है ही नहीं, रिपोर्टर्स कहाँ हैं? कोई एक रिपोर्टर आप मुझे बता दीजिए। न्यूज रूम में प्रोग्राम्स डिसाइड होते हैं, न्यूज रूम में लाइंस डिसाइड होती हैं, न्यूज रूम में हेडलाइंस डिसाइड होती हैं, तो रिपोर्टर को यहाँ बांध दिया कि इधर नहीं देखना है, वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि टीवी कहाँ तक इम्पैक्ट करता है, वो उसको सच मान लेता है। तो टीवी मास मीडिया है, इसका इम्पैक्ट बहुत है, उस पर अगर एक मिनट के लिए भी कुछ चल जाता है तो देश में कहाँ उसकी क्या हलचल हुई आप अंदाजा नहीं लगा सकते, तो उसको बहुत सहेजना चाहिए था। हमारी सरकारें विफल रही उस मीडिया को सहेजने में और अपने खिलाफ एक तंत्र को बनाए रखने में, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। कैसी रहती है राजनीतिक लाइफ और हरियाणा में पार्टी का क्या फ्यूचर देखते हो आप? जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है, वो सिस्टम को छेड़ रही है, डिस्टर्ब कर रही है। जब आप सेट सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो, सारी फोर्सेज आपके अगेंस्ट हो जाती हैं। लोग आम आदमी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे हर हालत में, मेरा अटूट विश्वास इस चीज़ को लेके है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ा वैक्यूम, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक विकल्प आना चाहिए। उस मायने में बहुत ग्रीन ग्राउंड है हरियाणा के अंदर। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी थर्ड गवर्नमेंट हरियाणा में बनेगी आम आदमी पार्टी। मैं कई बार बोलता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के लीडर को बुलाइए मेरे साथ स्टेज पे और किसी भी एक गाँव का नाम लीजिए हरियाणा के, हम वहाँ पर अपने 21 मेंबर के नाम बताएंगे और इनसे इनके पूछिए। तो वो कई बार घबराते हैं कि यार ऐसे तो ओपनली ऐसे क्या बोलते रहते हो। हम लोगों को ये कह रहे थे कि ये पार्टी वार्टी बदलने से काम नहीं चल रहा, अब सिस्टम बदलना पड़ेगा और एक ऐसी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जो कॉमन मैन की गवर्नमेंट है, जैसी दिल्ली में है, पंजाब में। आप एक नेता के तौर पर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपके ऊपर ये लेबल ना लगे कि आप एक जाट नेता हैं? मैं आपको कभी मिलवाऊंगा अपनी एक टीम से जो काम करते हैं हमारे साथ। कोई कास्ट ऐसी नहीं है जिसका आदमी उसमें नहीं होगा, वो एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते की खूबसूरती इसी में कि वो सारे लोग साथ में हैं। तो मुझे नहीं फील होता कि मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है इसके लिए। मैं जैसे जीता हूँ मैं वैसे ही जीता हूँ और वो मेरा बिल्कुल साफ स्वच्छ जीवन है, उस पर कोई इस बात पर उंगली नहीं उठा सकता कि ये कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर कभी नहीं की। आप जब कोई खिलाड़ी जीत जाता है तो उसको बड़े बड़े अवार्ड्स देते हो और उसको कहते हो मैं इतने करोड़ दे दिए, फिर कोई सीएम फ़ोटो खिंचवाएंगे उनके साथ, पीएम फ़ोटो खिंचवाएंगे उनके साथ। जब वो खिलाड़ी बन रहा था, जब उसके माँ बाप ने ज़मीन बेच दी अपनी, जब घर बेच दिया, गिरवी रख दिया, तब सरकार कहाँ थी? तब तो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि विनेश मेरे परिवार की बेटी है, ये है वो है। आज आप उनको जंतर मंतर पर लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया आपने उनको। ये अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। हर रोज़ 5-6 बलात्कार हरियाणा में होते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, मैं सीएम साहब को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बार बोला, मैंने कहा सीएम साहब आपने अपने बगल में मंत्री बना के ऐसे आदमी को बिठाया हुआ है जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। अगर सब कुछ सही जाता है जैसा हम प्लान कर रहे हैं, ये दिल्ली और पंजाब से भी बड़ा मैंडेट हरियाणा के अंदर हो सकता है कि तीसरी गवर्नमेंट अगर आम आदमी पार्टी कहीं बनाने जा रही है तो वो हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है। ये हमारी फोर्स का एहसास कांग्रेस को भी है, ये हमारी फोर्स का एहसास बीजेपी को भी है।